गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम सीपीयू। सीपीयू, यू नो व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द फर्स्ट पॉइंट इज सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने अभी आपको बताया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू बेटा, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। विदाउट सीपीयू हमारा कोई भी वर्क प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है। अगर हम कोई भी कीबोर्ड के थ्रू डाटा इनपुट करते हैं तो वो हमारा सीपीयू में जाता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट दिखाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज सीपीयू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन वर्क एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है बेटा। अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम ड्राइंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं और कोई भी सम सॉल्व करते हैं, तो सीपीयू उसको सभी वर्क को अच्छे से परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें मॉनिटर में शो करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। फोर्थ पॉइंट इज बेटा द मॉनिटर, द कीबोर्ड एंड द माउस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू विद केबल और वायर। आपने अपनी कंप्यूटर लैब में बेटा देखा होगा कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के जो वायर होते हैं ना, केबल होता है या वायर भी बोलते हैं, वो सभी सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो कनेक्टेड नहीं है, उसमें हमने उसको कनेक्ट नहीं किया है वायर को, तो वो परफॉर्म नहीं करते हैं। जिस तरह से बेटा हम आयरन है और वॉशिंग मशीन है, सभी का वायर हम पावर बोर्ड में प्लग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से हमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस का भी वायर सीपीयू में कनेक्ट करना होता है, ठीक है, जब तक हम उस पर वर्क नहीं कर पाए। ओके, तो ये था आपका सीपीयू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट बेटा मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। मॉनिटर बेटा एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड VDU। वीडियो, इसे हम वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टू टाइप्स के मॉनिटर होते हैं बेटा, यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज CRT मॉनिटर एंड सेकेंड इज LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर बेटा, बहुत पहले आपने देखे होंगे मॉनिटर बैक साइड से काफ़ी हैवी हुआ करते थे। अब चले बेटा वो LCD में, ठीक है। LCD बेटा एक पतली सी स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसके बैक साइड में फ्लैट होता है। तो दिस इज CRT मॉनिटर एंड दिस इज LCD मॉनिटर। ओके, सेकंड पॉइंट इज इट शोज व्हाट वी टाइप और ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर। इट ऑल्सो शोज रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बेटा जो भी हम टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं, वो हमें मॉनिटर पर शो करता है, कंप्यूटर पर दिखाई देता है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन। ये हमारा जो भी अगर हमने सम किया है उसका सॉल्व करके उसका रिजल्ट हमें दिखाता है, और कोई भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं कंप्यूटर पर, तो ये हमें उसकी इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी भी देता है। वी कैन ऑल्सो वॉच कार्टून्स एंड मूवीज ऑन द मॉनिटर। बेटा हम कंप्यूटर पर कार्टून्स भी देख सकते हैं और मूवीज़ भी देख सकते हैं, है ना।
अगर आप चाहते हो कि आज हमें कंप्यूटर पर ये वाला कार्टून देखना है या ये वाली मूवी देखनी है तो आप उसको देख सकते हो, जो भी आप कार्टून मूवी देखना चाहते हो। ओके तो स्टूडेंट्स, आपको ये सीपीयू मॉनिटर सभी पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना है ओके, और इनको समझना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।